बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू और लोजपा में जारी विवाद के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के नेताओं से जुड़े। इस दौरान नड्डा ने अपने नेताओं से साफ कह दिया कि आप चुनाव में सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचे, आपको एनडीए गठबंधन के बारे में भी सोचना है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी, जेडीयू और लोजपा को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। ये तीनों पार्टी जब मिलती है तो जीत सुनिश्चित होती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सिर्फ अपनी पार्टी के लिए चुनाव ना लड़े, बल्कि हमें अपनी सहयोगी दल की भी मदद करनी है। जीत के लिए सहयोगी दल भी महत्वपूर्ण है और हमें गठबंधन के उम्मीदवारों को भी जिताने के बारे में सोचना है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार की जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी एक साथ आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की बिहार में जीत हुई है। इसको हमको समझना चाहिए और इस बार भी हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और इसके साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और यशस्वी होंगे। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसके लिए हमको कार्य करना चाहिए। ये हम कहना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी से, कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आपको इसमें वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। आपको अपनी ताकत को निहार करके अपने को ही सिर्फ जीत हासिल नहीं करानी पड़ेगी, अपने सहयोगी दलों को भी आपको जीत हासिल करानी पड़ेगी। इस तरीके से हमको इस मानसिकता के साथ पूरी ताकत नीचे लगानी है। मैं पीछे आपके साथ जब वर्चुअल रैली में मिला था तो मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उन्हीं सीटों की लड़ाई नहीं लड़ेगी जहां भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी एक एक बूथ पर वो चुनाव लड़ेगी और एक एक बूथ पर विजय हासिल हो इसकी रणनीति बनाएगी। इस दृष्टि से हमको काम करना है। इसलिए वी हैव टू एड वैल्यू नॉट ओनली टू बीजेपी बट टू अवर अलायंस पार्टनर्स ऑल्सो। उनको भी हमको शक्ति देनी है, उनको भी हमको ताकत देनी है और हम सब मिलकर के ये हम आगे बढ़ें, इसके हमको चिंता करने की ज़रूरत है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हम संक्रमण काल में चुनाव लड़ रहे हैं। देर आर चैलेंजेस एंड देर चैलेंजेस आर इमेंस। बहुत किस्म की चैलेंजेस हैं। हम कोविड से लड़ करके हटे हैं, बाढ़ से हम लड़ रहे हैं, आगे चल करके चुनाव आएगा। अपनी अपनी जान की भी व्यवस्था करनी है। कोविड का संक्रमण इस साल के अंत तक तो रहने वाला ही है, यह मान करके चले। अपनी रक्षा भी करनी है और रक्षा करने के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों को जनता तक पहुंचाना है, यह हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि छोटी छोटी मीटिंग्स, स्मॉल डोर टू डोर कैंपेन। मैंने अभी पता लगाया था कार्यकर्ताओं से, भूपेंद्र यादव जी ने बहुत एग्जॉस्टिव, संजय जायसवाल जी के साथ और हमारे पदाधिकारियों के साथ मिलकर के मुझे जानकारी मिली कि आप लोगों ने मंडल तक के कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी राय शुमारी की, उनसे आपने बहुत सी चर्चाएँ की। उस चर्चा में यह ध्यान में आया कि सबसे इफेक्टिव कैंपेन डोर टू डोर कैंपेन रहने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए तैयार हो जाए। हमको अपनी जान की रक्षा भी करनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग भी करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हमको अपने कैंपेन को नीचे तक ले जाना है, उसकी हमको चिंता करनी चाहिए, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को हमको टच करना है, सभी लोगों को, हमारे युवा, हमारे महिला वर्ग, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़ा समाज से जुड़े हुए लोग, हमारे अति पिछड़ा समाज से जुड़े हुए लोग, सब तक हमको दस्तक देना है और हमको मोदी जी का संदेश भी पहुंचाना है, भारत सरकार का संदेश भी पहुंचाना है और एनडीए के द्वारा किए गए कार्य, नीतीश जी के द्वारा किए गए कार्य बिहार में जो हुए हैं उसको भी नीचे तक ले जाना है। इस बात को हमको पूरा करना है, इसकी योजना आप लोगों ने बनाई है। नड्डा ने कहा कि हमें समाज के सभी वर्ग के लोगों को टच करना है। बिहार में केंद्र सरकार ने बहुत काम किया है, मेट्रो से कई विभागों में काम किए गए हैं, लेकिन यहाँ विपक्ष हल्की और ओछी राजनीति करती है। आज बिहार के लोगों को आशा है तो सिर्फ एनडीए से है। नड्डा ने कहा कि कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम और टास्क पर लग जाएं। कार्यकर्ता लोगों को बताएं कि किस तरह से कोरोना की लड़ाई लड़ी है।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में सामाजिक और राजनैतिक चेतना को सबसे ऊपर रखा है। हमें चंपारण से लेकर जेपी मूवमेंट को याद करना चाहिए। बिहार ने इन सभी का नेतृत्व किया है। हमारे पास इस चुनाव में 2-3 चैलेंज हैं, जिनमें कोरोना और बाढ़ अहम है। जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट आज 73.48% है। 10 करोड़ डोर टू डोर स्क्रीनिंग बिहार में की गई है। राज्यों में 35,000 से बढ़कर आज 1,00,000 टेस्ट हो रहे हैं। इसके लिए मैं बिहार सरकार को बधाई देता हूं। दिल्ली में मंच पर बिहार से मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, रविशंकर प्रसाद, अश्विनी चौबे, आर के सिंह भी मौजूद थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।